हेलो, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बनाने लगे गए हैं आटे की पिंडी। हेलो गाइस, हेलो पीपल। आज हम बनाने कैमरा मैन एक तो बिगाड़ है मेरे पास, क्या करूं मैं। ओके, हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और चैनल का नाम है बानी प्रीत कौर। तो हम बनाने लगे हैं आटे की पिन्नी कनाडा में। ओके, क्योंकि चैनल को मैं हटने वाला धीरे धीरे करके, इसका पैसा ही मेरे पास ही आएगा आपसे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आटे की पिन्नी। तो आटे की पिन्नी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी आटा, घी, काजू, बादाम और किशमिश, और हम डालेंगे थोड़ी चीनी। इफ यू टॉक अबाउट दी मेथड, सबसे पहले हम काजू और बादाम को रोस्ट कर लेंगे। इससे वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं और उनको ग्राइंड करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि बानी जो है वो ग्राइंडेड कैशूज और ग्राइंडेड आलमंड्स पिन्नी में पसंद करती है, और रही बात किशमिश की, वो उसे वैसे ही पसंद है। तो बेसिकली उनके लिए पिन्नी बन रही है, तो उनका स्वाद अनुसार हमें ये चीज बनानी पड़ेगी। सो दिस इज द रेसिपी गाइस, विच विल कीप यू वार्म इन द विंटर्स, एंड आई विल शो यू हाउ इट गोज। सो लेट्स स्टार्ट। पास मी स्पून। हेलो शूटर। Shooter. Yes. Shooter. Yes. Whatever you are. Cameraman. Shooter. Camera woman, basically. तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें घी। तो हम थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही होता वैसे। इस घी को इतना ऐड डालना है क्योंकि इसमें 2 कटोरी आटा ऐड करना है, साथ में हमने बाद में कैशूज और बादामों को ऐड करना है, और साथ में चीनी को ऐड करना है। तो इतनी क्वांटिटी घी की हो कि वो लड्डू बनाने के लायक हो। घी को थोड़ा मेल्ट होने देते हैं और तब तक हम आटा कलेक्ट करते हैं। मेरे को भी दे एक सिप। शूटर वांट्स अ सिप। कैमरा वुमन वांट्स अ सिप। सिप शेप अस। ओके, इस कटोरी का साइज 1 कप है। और ऐसे तुम दो ले रहे हो? हम दो ले रहे हैं। तुम क्यों सीख रहे हो? तुमने बनाना तो होता है ना। नहीं, मैं अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन पूछ रही हूं ना, कहीं उनको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, वो भी अपनी बीवियों के लिए बना सके। ओके, सो ये 2 कटोरी आटा है। जैसे घी मेल्ट होता है हम इसमें आटा ऐड करेंगे, और आटा जब भुनता है और जो उसकी खुशबू है, ओहो, इट गोना किल यू। इट किल्स मी बेसिकली, आई डोंट नो अबाउट यू। हियर वी आर एडिंग आटा। ओके, शुरू में थोड़ा ड्राई लगेगा, तुम्हें लगेगा कि इसमें मुझे घी और ऐड करने की जरूरत है, बट बेसिकली जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े से ग्रैनुल्स बन जाते हैं उसके, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें घी ऐड करने की जरूरत पड़े तो थोड़ी देर में ही तुम्हें पता लग जाएगा, पर जैसे कि हमें पता लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा घी हमें डालना पड़ेगा। हेलो हेल्पर, कैन यू पास द घी? ये लो घी। तनवीर ज्यादा भी मत डाल। अरे सू शेफ बताएंगे, सू शेफ भी नहीं, हेल्पर। ओह माय गॉड, आई एम द हेड शेफ, यू नो इट। और इसमें जो हमारी गैस है उसको तेज आंच में रखना है या धीमी आंच? स्टार्टिंग में आप तेज आंच में रखो क्योंकि गैस ठंडी होती है, उसके बाद आप इसको मीडियम कर सकते हो। थोड़ा सा घी और ऐड होगा। कैन यू पास ऑन द घी अगेन टू मी? इसको हिलाते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि आटा और बेसन जब आप भूनते हो तो बहुत जल्दी नीचे लगता है, तो बेसिकली इसको बस हिलाते रहो। ये इसकी संपूर्णता है घी की, मतलब इसका एक थ्रेशोल्ड लेवल है। इसमें हल्का सा घी और डलेगा ताकि ये चीनी, ड्राई फ्रूट पिसा हुआ और किशमिश को बाइंड कर सके, क्योंकि जैसे जैसे आप ये चीजें इसमें ऐड करोगे, वो ऑब्वियसली वो भी एक लड्डू बनने के लिए घी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा घी की मात्रा हो गई तो ऑब्वियसली आपका लड्डू भी नहीं बनेगा। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। नाउ दिस इज द परफेक्ट मिक्सचर जो आटे को हमने भूनना है, और ये जब जैसे जैसे भूनता जाएगा एक बहुत अच्छी खुशबू देनी शुरू कर देगा, साथ के साथ ही हल्का सा डार्किश ब्राउनिश टोन में चला जाएगा। राइट नाउ इट इज लाइट ब्राउन, पहले गोल्डनिश कन्वर्ट होगा, उसके बाद हल्का सा डार्किश टोन चला जाएगा, और उससे ज्यादा मत भूनना क्योंकि फिर वो सड़ जाता है। ये हल्का सा गोल्डनिश शेड में आ रहा है, इसको और थोड़ा सा ब्राउन करेंगे हम, और बस हिलाते रहें क्योंकि ये नीचे लगा नहीं और गेम होगा। साथ में हम भून रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, रोस्ट कर रहे हैं बेसिकली काजू, बादाम ऑलरेडी रोस्ट कर रखा है। हल्का सा घी डाल के आप काजू को ऐसे करें और ये हल्का सा रेडिशनेस में चला जाएगा, ताकि हम इसके बाद उसके बाद इसको ग्राइंड कर सकें। ओके गाइस, देखो ये डार्किश ब्राउन टोन में जा चुका है, एंड दैट्स व्हाट यू वांट। इससे ज़्यादा इसको हम रोस्ट नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा इसको भुनेंगे नहीं हम। तो हम इसको गैस को कर देते हैं बंद, और इसको गैस से उठा दो। रीजन बीइंग उसका ये, क्योंकि गैस की जो हीट होगी वो इसको और भुन के साड़ सकती है, एंड यू नीड टू
कीप स्टेयरिंग इट टिल द टाइम ये एक बार सेटल पोजीशन में थोड़ा ना चला जाए। ये हमने काजू और बादाम भून लिए थे, अब हम इसमें ऐड करेंगे, पहले इनको पीस लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। हल्का सा डालेंगे, अब हम डाल देंगे इसमें ये पेस्ट, और जो रह गया उसको एक बार और घुमा लेंगे। ओके देयर वी गो, हम करेंगे काजू को ग्राइंड। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इट्स जस्ट दैट मेहनत मांगती है। जो बचे कुछ काजू एक बार घुमा लेंगे। ओके ये डाला हमने इसमें काजू, इसलिए घी की मात्रा होनी थोड़ी ज्यादा जरूरी है। तो गाइस हमने इसमें ऐड कर दिया है काजू बादाम, और अब हम डालने लगे इसमें एक कप चीनी, क्योंकि हमने दो कप आटा लिया था, और चीनी अपने हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जितना आपने ज्यादा डालना है जितना कम डालना है, स्वाद अनुसार बेसिकली। किशमिश हम इसमें जब एकदम ही कूल डाउन पोजीशन में चला जाएगा तब डालेंगे, क्योंकि किशमिश 2 मिनट में सड़ता है, और अगर किशमिश सड़ जाए तो उसका स्वाद सबको पता ही होगा शायद। जैसे कि आप देखोगे ऑटोमेटिकली घी अब इसमें से जो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था वो भी इसमें डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमने इसमें 3-4 चीजें ऐड करनी थी। अब हम इसमें डालेंगे चीनी स्वाद अनुसार, जितना आपने आटा डाला है उसका हाफ चीनी का एक प्रोपोर्शन होता है अच्छे टेस्ट के लिए। तो यानी हमने 2 कप आटा डाला था तो हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। थोड़ा सा ऐसे ड्राई सा दिखेगा, और ये जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि अब हम इसका लड्डू बनाएंगे। और इसमें हल्की सी हम ऐड करेंगे इलायची पिसी हुई, इलायची पाउडर बेसिकली। और देखो ही था डकी है वो कितने गया। ये हमने एक नॉर्मल वार्म करने के लिए बनाया है, अगर आप इसको रियली हेल्थ पर्पज के लिए खाना चाहते हो, एंड गोंद कमरकस इससे वो चीज, ये जो चीजें होती है ना ये आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन का काम करती है, बट पानी को किसी भी चीज का टेस्ट पसंद नहीं है, तो आई कांट ऐड ऑल दैट, क्योंकि ऑब्वियसली इन चीजों का अपना एक टेस्ट होता है। बस 2 या 3 इलायची लेके एक हम फ्लेवर का टेस्ट देंगे इसमें, उसको पीस के उसका एक पाउडर डाल देंगे इसमें। इस टाइम पे भी खाने का इसका अलग ही मजा है, और बट ध्यान से बहुत गर्म होता है। स्वाद बहुत मजे आए। आई थिंक शॉट पीछे कर लेना चाहिए था, मेरा नहीं, पर मैं अच्छी नहीं लग रही ना अभी। बहुत स्वाद है, स्वाद है। थैंक गॉड। किशमिश डालो। हाँ किशमिश डालो, हल्की सी ये ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। सो ये रहे हमारे किशमिश। ओके गाइस तो अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्टेज पे आ चुका है, जो मतलब एकदम तत्ता नहीं है, वो किशमिश थोड़ी सी ज्यादा पसंद है, इसलिए हमने उसको ऐड करा है किशमिश को। तो गाइस जब भी इसको खाओ साथ में गरम दूध का ग्लास ले लो, या चाय इज नॉट सो गुड बट स्टिल जो लोग दूध नहीं पीते हैं एक लिक्विड चीज साथ में ले लो, ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का बहुत हेल्दी काम करता है, पूरे लंच तक की आपको एक कटोरी इसका खाया हुआ एनर्जी दे देता है।